आज आपका इंडिया न्यूज 28 में आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरें। धनबाद निरसा में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। निरसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सीआर कनाली में रविवार दोपहर को धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह की मौजूदगी में सीआर कनाली के सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुषों ने एनसीसी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। स्थानीय ग्रामीणों ने स्थानीय समझाया, बिजली पानी सड़क जैसे समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि कापासारा आउटसोर्सिंग से कोयला तो निकल कर ले जा रहा है लेकिन यहाँ के समस्या को कोई भी सुनने वाला नहीं है। वाहन चलने से धूल उड़ने से बीमार होते हैं। बिजली की झारखंड सरकार से लेना पड़ता है जिसका बिल हम लोग नहीं दे पाते। पानी भी नहीं मिलता है। सभी ईसीएल को काम करने चाहिए, जिस पर सांसद पशुपति नाथ सिंह ने सभी को आश्वासन दिया कि सभी की समस्याओं को सुना गया, सभी की समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन दिया गया। सांसद से बिहार चुनाव पर सवाल पर उन्होंने कहा कि रिजल्ट का इंतजार कीजिए, रिजल्ट घोषित होने के बाद ही कुछ बोलेंगे, अभी कोई टिप्पणी देना ठीक नहीं। खासकर नौजवान महिलाएं जो या तो किसी पार्टी में नहीं थी या एनसीसी के गलत नीतियों के कारण इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज है, राजनीतिक पार्टी है। और इस क्षेत्र में अभी कुछ लोगों ने मेमोरेंडम भी दिया, कई प्रकार की समस्याएं भी है, तो पूर्व में यहाँ एमसीसी के घर रहा लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं होता, तो विश्वास टूटा है। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास इन्होंने दिखलाया है, हम उनका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं और निश्चित रूप से उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उनके मौलिक समस्याएं हैं उसके समाधान की दिशा में हम काम करेंगे और जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी में वे आज शामिल हो रहे हैं उन पर विश्वास कायम रहे इसका प्रयास हम लोग करते रहेंगे। आज सच में बहुत आनंद का भी विषय लग रहा है कि 150 नौजवान और विभिन्न स्थानों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं।